कोरोना के इस दौर में आपको नहीं जाना बाहर। बिग ब्लिस पहुंचाएगा सारा सामान आपके घर 10 मिनट के अंदर। तुरंत डाउनलोड करें बिग ब्लिस ऐप, खुशियों की अपनी दुकान। अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस के बैंकिंग सिस्टम पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये देश रूस के ऑयल का भी विरोध कर रहे हैं। दुनिया भर के बैंक, पोर्ट्स और ट्रांसपोर्टर्स रूसी ऑयल से खुद को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ी ऑयल क्राइसिस का खतरा सामने आ सकता है। IHS मार्केट ने कहा है कि यूक्रेन पर रूस के हमले से दुनिया में 1970 के दशक के बाद सबसे बड़ी ऑयल क्राइसिस पैदा हो सकती है। IHS मार्केट का कहना है कि 1970 के दशक में अरब ऑयल पर बैन और ईरानियन क्रांति के बाद से ऑयल की सबसे बड़ी क्राइसिस सामने आ सकती है। 1970 के दशक में दोनों घटनाओं की वजह से दुनिया में ऑयल का बड़ा संकट पैदा हो गया था। अभी तक अमेरिकी और यूरोपीय देशों ने रूस के ऑयल पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, लेकिन IHS मार्केट का कहना है कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में रूसी ऑयल की सप्लाई घटने के आसार हैं। रूस रोजाना 75 लाख बैरल ऑयल और प्रोसेस्ड गुड्स का एक्सपोर्ट करता है। लॉजिस्टिक्स के मामले में बहुत बड़ी समस्या आती दिख रही है। यह सप्लाई क्राइसिस है। यह 1970 के दशक जैसी बड़ी प्रॉब्लम बन हो सकती है। IHS मार्केट के अनुसार ऑयल इंडस्ट्री और रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों के बीच बातचीत खराब बिगड़ती दिख रही है। IHS मार्केट का कहना है कि रूस के ऑयल एक्सपोर्ट में नाटो देशों की हिस्सेदारी करीब 50% की है। इस पर काफी असर पड़ने जा रहा है। ओपेक प्लस ग्रुप ने बुधवार को कहा था कि वे उत्पादन को मौजूदा स्तर पर बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि ये देश रोजाना करीब 4 लाख बैरल सप्लाई कर रहे हैं। यूक्रेन पर रूस का हमला शुरू होने के बाद से ग्लोबल मार्केट में ऑयल में बड़ा उछाल आया है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस $118 प्रति बैरल तक पहुंच गया था। हालांकि अब इसमें थोड़ी नरमी भी आई है। इस साल की शुरुआत में क्रूड का प्राइस $77 प्रति बैरल था। क्रूड का बढ़ता दाम भारत जैसे कई देशों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।